तो दोस्तों मंचूरियन तो सभी को पसंद है, और ये फ्राइड राइस या फिर चाउमीन के साथ मिल जाए तो और भी मज़ा आता है इसे खाने में। ये मंचूरियन बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि ये बनी है ब्रोकली से। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो कैबेज नहीं खाते हैं, तो इसे मैंने रिप्लेस किया है ब्रोकली से, जिसकी वजह से ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रोकली मंचूरियन की रेसिपी। दोस्तों मैं हूँ पिंकी और आपका माई किचन में स्वागत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले लेंगे। सब्जियों में मैंने लिया है ब्रोकली। हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे, क्योंकि ग्राइंड करना ज़्यादा ईजी लगता है और टाइम भी बचता है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है रफली चॉप किया हुआ गाजर यानी कि कैरेट, और शिमला मिर्च है रेड और ग्रीन। अब हम इन सब्जियों को ग्राइंड करेंगे। तो पहले कुछ सब्जियों को ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि जार भर गया है। ग्राइंड हमें इंटरवल में करना है, लगातार नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्जियों के छोटे छोटे पीसेस चाहिए। इस तरीके से आप ग्राइंड करिएगा। ये ग्राइंड हो गया है, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, ये ग्रीन बीन्स है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 कलियाँ लहसुन की, आप 4 डाल दीजिएगा, मेरी कलियाँ मोटी है हमेशा की तरह। 1/2 इंच अदरक यानी कि जिंजर, और फिर से हम इन्हें सेम तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ग्राइंड करने से मेरा समय भी बचता है और ये ईजी भी हो जाता है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर, और डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और 1 टीस्पून के करीब राइस फ्लोर। राइस फ्लोर से आपका मंचूरियन क्रिस्पी बनेगा, तो इसलिए राइस फ्लोर ज़रूर डालिएगा। अब डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और रेड चिली पाउडर एज पर टेस्ट। अब डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए इनका डो प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पानी नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो पानी का छींटा मार सकते हैं। ये देखिए, बिना पानी के मेरा बिल्कुल डो रेडी हो गया अच्छे से। अब हम हाथों में तेल थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे एक नींबू के साइज़ का, और इन्हें रखते जाएंगे। बाकी के बॉल्स को भी रेडी कर लेंगे हम। बॉल्स यहाँ पे रेडी है, अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो तेल जब गर्म रहे तब हम बॉल्स को डालेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तेल को ऊपर ऊपर से भी डालते रहेंगे, ताकि ये ऊपर से भी पकता रहे, और इसे हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे मंचूरियन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रिस्पी भी है, कलर भी अच्छा आ गया है। तब इस स्टेज पे हम इन्हें निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी को रेडी करने। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दीजिए, पैन या कढ़ाई में गर्म होने दीजिए। तब डाल देंगे यहाँ पे 2 प्याज बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ, और इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये सही है। तब हम यहाँ पर डाल देंगे हरा कैप्सिकम, और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक, और फिर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे इनके रॉ स्मेल जाने तक। रॉ स्मेल जा चुका है, तब हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रीन चिली। मेरे पास 3 कलर की चिली है, तो मैंने 3 कलर की चिली डाल दी है। आपके पास जो भी है आप वो डाल दें, और एज पर टेस्ट डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, तो ध्यान रहे कि बॉल्स में भी नमक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। रेड चिली डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। अब हम मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ घोल लिया था, उसे डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली का सॉस मेरे पास नहीं है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे ब्रोकली बॉल्स को, और फिर इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको ड्राई मंचूरियन खाना है तो इस स्टेज पर निकाल लीजिए, लेकिन उससे पहले गार्निश कर लीजिएगा कोरिएंडर लीव्स या फिर स्प्रिंग अनियन से, और इसे सर्व कीजिएगा। लेकिन मुझे ग्रेवी वाला चाहिए, तो यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, और फिर हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद देखिएगा कि हमारा मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फिर इसे हम गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ती या फिर स्प्रिंग अनियन के साथ, और गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसे फ्राइड राइस या फिर चाउमीन के साथ। तो दोस्तों, बिल्कुल नई तरीके की ब्रोकली मंचूरियन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।